इंडिया इज नाउ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री सजेस्ट यूएन डेटा। हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल। आवर टैगलाइन इज वीर भोगे वसुंधरा, मींस दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एंबिशियस, दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट इन देयर लाइफ। सो आज आप कई न्यूज में देख रहे होंगे, कुछ ऐसा टाइटल है कि इंडिया जो है सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है, इवन हम लोग ने चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है। तो ये कहाँ पे आया, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो इसमें आप देख रहे हो ये यूएनएफपीए है, यूनाइटेड नेशन का है ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। ओके, ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023, उसका जो टाइटल है वो 8 बिलियन लाइफ्स इन फाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस। ओके, सो इस रिपोर्ट में क्या है, 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एज ग्रुप ऑफ 0 to 14, 18% पॉपुलेशन इज 10 to 19, 26% पॉपुलेशन इज 10 to 24, एंड 68% पॉपुलेशन इज 15 to 64, एंड 7% पॉपुलेशन इज एवं 65। अगर आप ध्यान से देख रहे हो सारे डेटा, क्योंकि हमारे यहाँ जो काम करने का एज जो माना जाता है रिटायरमेंट को, वो 60 माना जाता है। तो उस हिसाब से अभी मोस्टली जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो काम करने वाला पॉपुलेशन, वर्किंग ग्रुप। ओके, चाइना इज डूइंग बेटर देन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, विच इन द केस ऑफ वुमेन इज 82 एंड 76 दैट फॉर मैन। ओके, और इंडिया में क्या है, ये फॉर वुमेन के लिए है 74 है और मैन के लिए 71 है। क्योंकि अगर आप चाइना में देखो, चाइना का पॉपुलेशन धीरे धीरे स्लो हो रहा है, उसके एक पीछे बड़ा जो रीजन है, क्योंकि चाइना ने एक पॉलिसी लाया था, वन चाइल्ड पॉलिसी। इसमें क्या होता था कि जैसे एक फैमिली होता तो उसमें एक ही बच्चा, एक से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। सो अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा फाइन होता था, उसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन कम होने लगा। अभी इसी वजह से चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया है, अब आप चाहें तो तीन, क्या दो या तीन बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी जो अब जैसे अभी ला दिया गया, इसका असर अभी तुरंत थोड़ी हो पाएगा, इसको होने में करीब 10 या 20 ईयर लग जाएगा एक्चुअल में जो रिजल्ट आने में, जो अभी चाइना ने पॉलिसी हटाया है। क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन कम है तो उसकी वजह से रिसोर्स पे प्रेशर कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप देखो कि वुमेन यहाँ पे 82 ईयर्स मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और मैन का 76 है। बट इंडिया में वही वुमेन का 74 है एंड मैन का 71 है। सो पॉपुलेशन के वजह से जो प्रेशर पड़ता है रिसोर्सेस पे, ओके, तो उसका भी ये प्रॉब्लम। ओके, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूनाइटेड ने यूएनएफपीए इज ए यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। आवर मिशन इज टू डिलीवर ए वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड एंड एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ एंड एवरी यंग पर्सन्स पोटेंशियल इज फुलफिल्ड। ओके, UNFPA इज फॉर्मली नेम्ड द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड इन 1969। The same year, the United Nations General Assembly declared the parents have the exclusive right to determine freely and responsibly the number and spacing of their children. मतलब यहाँ पे बात कर रहा है voluntary, means ऐसा नहीं कि जैसे अपने इंडिया में 70-80s के दौर में आया था, जो forced किया जा रहा था कि इससे ज्यादा बच्चे नहीं हो कर सकते, medically क्या क्या किया जा रहा था। ओके,
ये 1980s की बात है, ओके। सो कह रहा है फोर्स मत करो यहाँ पे, वॉलंटरी वो अपनी इच्छा से उनको एजुकेट करो, तो अपनी इच्छा से जो करना चाहे, जितने बच्चे पैदा करना चाहे वो करें, वो अपने हिसाब से करें, ओके। थोड़ा सा हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर ऑफ फॉर वुमेन एंड यूथ इज मोर देन 150 इन मोर देन 150 कंट्रीज विच आर होम टू मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली द 1 मिलियन हु फेस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ईच मंथ। रिलायबल एक्सेस टू मॉडर्न कंट्रासेप्टिव सफिशियंट टू बेनिफिट 20 मिलियन वुमेन ए ईयर। ट्रेनिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ हेल्थ वर्कर टू हेल्प इंश्योर एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑल चाइल्ड बर्थ्स आर सुपरवाइज्ड बाई स्किल अटेंडेंट्स। प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस विच अफेक्ट 1 in 3 वुमेन। अबेंडनमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन विच हार्म 3 मिलियन गर्ल एनुअली। प्रिवेंशन ऑफ टीन्स प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर गर्ल 15 to 19 ईयर ऑफ ईयर ओल्ड, ओके। एफर्ट टू इंड चाइल्ड मैरिज विच कुड अफेक्ट एन एस्टिमेट ऑफ 17 मिलियन गर्ल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, ओके। डिलीवरी ऑफ सेफ बर्थ सप्लाईज डिग्निटी किट एंड अदर लाइफ सेविंग मटेरियल टू सर्वाइवर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड नेचुरल डिजास्टर। सेंसस डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज विच आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्लानिंग, ओके। सो हम अभी इंडिया के बारे में, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी वुमेन लोग को जो जैसे बच्चा अच्छा पैदा होता है तो क्या करते हैं, उनको 6,000 का 6,000 रुपये मिलता है, मीन्स उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फ्रूट उठे सब का कोई दिक्कत ना, ओके। सो क्योंकि उससे डेथ नहीं होगा, क्योंकि मेनली जो होता है ढेर सारी बीमारी, ढेर सारी प्रोटीन की कमी हो, तो उसके बाद जो बच्चा होता है उसको भी ये सब कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तो इसी को कम करने के लिए। उसके अलावा और भी गवर्नमेंट कई काम कर रहा है, जैसे डेली राशन होता है तो उसमें 45 फूड दे रहा है, जैसे उसमें क्या कर दे रहा है कि जैसे चावल मिल रहा है तो उसमें B12 जो वो हमारे ब्रेन को अच्छे से काम करने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे दूध दूध में मिलता है तो वो पहले से ही आपको खाने में ही दे दे रहा है, उसमें मिक्स कर दे रहा है, सो वो चीज़ आपको पहले से मिला रहा है, तो जो प्रॉब्लम है सब विटामिन डिफिशियंसी का एंड अदर थिंग, सो वो सब प्रॉब्लम दूर रहेगा, ओके। हम अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू इन इंडिया, ये जो है अगर आप यूपीएससी का GS1 का ये है, GS1 में है, ये सोशल इशू के टॉपिक में हो जाएगा। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन का ही गया है, विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.3 बिलियन पीपल। द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया हैज रिजल्टेड इन नंबर ऑफ इशूज, सम ऑफ विच आर डिस्कस्ड बिलो। ओवर क्राउडिंग, इंडियन सिटीज आर सम ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड विच लीड टू ओवर क्राउडिंग, ट्रैफिक कंजेशन, स्ट्रेन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस। जैसे आप दिल्ली उल्ली में देखिए, दिल्ली या किसी भी मेट्रो शहर में आप चले जाए, कितनी गाड़ियां होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जहां पे 15 मिनट का रास्ता होता है वहां आदमी 2 घंटे में पहुंच रहा है। जैसे कभी कोई जोक भी, जोक में कहा जाता है कि फ्लाइट से दिल्ली से चेन्नई जाने में जितना टाइम लगता है, उससे नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जाने में उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। ये जोक के लिए ऐसे, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, जैसे मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज्यादा, जैसे ओवर क्राउडिंग में आपको वहां पे, आप जैसे हॉस्पिटल में जाओगे किसी भी मेट्रो सिटीज में, इवन 2 टायर 3 टायर सिटीज में भी जाओगे, तो इतना ज्यादा क्राउड होता है कि उसको मैनेज करना इट्स वेरी बिग टास्क, ओके। सो इसकी वजह से लॉट ऑफ, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है रिसोर्सेस के ऊपर, ओके। दूसरा जो है पॉवर्टी, ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन अ पॉवर्टी एंड विथ लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। आप जैसे देखोगे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े स्लम्स एरिया, जैसे आप मुंबई में देखोगे, दिल्ली उल्ली में देखोगे, क्योंकि ना उनके पास एजुकेशन का सही से है, हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, फूड का भी इशू है,
सो ये सब भी प्रॉब्लम. अनएम्प्लॉयमेंट विथ ए लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इंडिया फेसेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन जनरेटिंग इनफ जॉब टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स सिटीजन. आप देखो इंडिया में कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी चल रहा है क्योंकि क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है तो सबको देना पॉसिबल नहीं है. और भी कई रीजन है, ये भी एक रीजन है. ओके अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक रीजन है पॉपुलेशन, और भी कई रीजन है. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंबाइंड विद द अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस हैज लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया इंक्लूडिंग एयर वाटर क्वालिटी डिफॉरेस्टेशन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. आप जैसे देखोगे जहाँ लोग रहते हैं गरीब लोग कहीं भी हो जाके धीरे धीरे बसने लगते हैं तो वहाँ पे ना सही से सीवेज सिस्टम होता है, उसके अलावा वहाँ पे ना क्योंकि पूरा प्लान नहीं किया गया ना वहाँ पे ना पार्क होता है सो उसकी वजह से ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं. वहाँ पे पोल्यूटेड वाटर रहता है उसी में वो सर्वाइव करते हैं तो उसकी वजह से उनको हेल्थ का इशू और ढेर सारे इसमें बता रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्योंकि ये सीवेज सिस्टम ये बहुत नॉर्मल चीजें होना ही चाहिए. फूड सिक्योरिटी, इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट प्रेशर ऑन इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर टू प्रोड्यूस मोर फूड विच कैन लीड टू ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. आप जैसे देख रहे हो क्या फूड इशू, फूड का भी प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पे इन्वायरमेंट क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बहुत ज्यादा यूरिया ये सब यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो यूरिया जाके वो रिवर में मिल रहा है तो उसकी वजह से रिवर पोल्यूशन हो रहा है वहां पे और ढेर सारे क्योंकि वो जो यूरिया है उसकी वजह से रिवर में ढेर सारी चीजों का ग्रोथ हो रहा है फिर फिश का डेथ हो रहा है तो ये सब भी फूड सिक्योरिटी का इशू हो जा रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जा रहा है. ओके क्योंकि फीस उस भी नहीं रहेगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो जा रहा है. हेल्थ केयर, इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रगल टू कीप अप विद द नीड ऑफ इट्स पॉपुलेशन पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज वेयर एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर इज लिमिटेड. आप जैसे गांव में देखोगे हॉस्पिटल है ही नहीं और है भी तो मुश्किल से उसमें एक डॉक्टर होंगे जो एक जनरल डॉक्टर होंगे, अभी किसी स्पेशलिस्ट उसमें कोई होते ही नहीं है और जो मेडिसिन होता है इतना हाई रेट है तो उससे भी वजह से लोग जाते ही नहीं है. और इंडिया में हेल्थ केयर का एक कल्चर भी नहीं है आप समझ लो, लोग खाने पे पैसा रहने पे सब सबका खर्च करते हैं लेकिन हेल्थ का जोड़ते ही नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम है. और यहाँ पे इंश्योरेंस का भी देखोगे कि लोग हेल्थ का बहुत कम है, एजुकेट हो रहे हैं जनरली आप ये सब चीज़ें आपको थर्ड टायर मेट्रो सिटीज में मिल जाएंगी बट आप लोअर लेवल पे जैसे आओगे सेकंड टायर थर्ड टायर एंड विलेज लेवल पे तो नहीं मिलेगा. एजुकेशन, वाइल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर इम्प्रूव्ड इन इंडिया इन रिसेंट ईयर ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टिल डू नॉट अटेंड स्कूल पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज. आप देखो एजुकेशन में बहुत लोग मीन्स जैसे शहरों में तो है इवन गवर्नमेंट स्कूल जो भी वो भी काफ़ी अच्छे ही है बट गांव में एक्सेस उसका कम हो पा रहा है. उसके अलावा कई लोग नहीं जा रहे हैं तो जैसे गवर्नमेंट कई स्कीम ला रहा है मिड डे मील स्कीम, लोग आए हेल्थ उनका सही रहे सो उसके लिए भी कई चीज़ें गवर्नमेंट कर रही बट स्टिल प्रॉब्लम तो है ही. To address these issues, Indian government has implemented number of policies and programs aimed at promoting sustainable development and improving access to health care and education and reducing poverty. These include initiatives such as National Rural Health Mission, the National Rural Employment Guarantee Act, National Food Security Act. However, much more work remains to be done to address the population-related challenges facing India. Okay. कई प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम पे गवर्नमेंट काम कर रही है और कई प्रॉब्लम का रिजल्ट जो है थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट आने में सो उस पर भी कई चीज़ें हो रही हैं. सो बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन कम किया जाना चाहिए, इसको मतलब फोर्स नहीं होना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोग अपना खुद अपनी वॉलंटरी ये सब काम करें. ओके जैसे बोला जाता है वुमेन लोग को एजुकेट करना चाहिए, उनको काम करने के लिए भेजना चाहिए तो वो लोग जैसे देखा गया है कि जहाँ वुमेन एजुकेट हो गए वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है पॉपुलेशन का क्योंकि वो लोग उतने ही बच्चे जितना वो सपोर्ट कर सकते हैं जितना उनका इनकम है उस हिसाब से. ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.